अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा ब्लॉग्स फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलिए फिर, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं मेरे मम्मी के घर हूँ और इधर जो कुकिंग है मेरी भाभी या बाजी, या कभी मैंने कुछ बना लिया तो मैं शेयर कर देती हूँ। और ये देखिए, आज मेरी बाजी जो है वो खमन बना रही है ना बाजी, ढोकला बनाने वाली है। तो चलिए फिर ये ढोकले की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, बाजी ने एक बाउल लिया है, वन बाउल बेसन है, वन बाउल दही, वन बाउल दही, ये दो मिर्ची है हरी, ये अदरक है और ये नमक है, ये हल्दी है, एक पिंच हींग है, और ये शक्कर है, ठीक है, एक चम्मच। ये सब अब इसमें जाएगा। इसको अच्छे से फेंट लेना है। बाजी ने एक बाउल बेसन लिया है, एक बाउल दही लिया है, हल्दी लिया है, नमक लिया है, शक्कर पीसी भी लिया है, और अदरक का पेस्ट है, और हरी चटनी, दो मिर्ची का कूट के लिए अदरक और मिर्ची का, अदरक और मिर्ची कूट के लिए, ठीक है। वो तो डालना हो, डालो, नहीं तो मत डालो, थोड़ा कोथमीर भी डाल देते हैं। अभी इसमें हरी धनिया डाल रही हूँ भाई, ये दो चम्मच तेल है, दो चम्मच मीठा तेल डाले हैं, आप कोई भी डाल सकते हैं। अच्छे से फेंट लेना है। इसको 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे हम ऐसी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, 20 मिनट हो गए हैं। अब 20 मिनट होने के बाद बाजी इसमें सोडा पाउडर डाल रही हैं, खाने वाला सोडा, ठीक है। सोडा डालने के बाद तुरंत इसको वो टिन में ट्रांसफर करना पड़ता है। बाजी ने इसमें ग्रीस कर लिया है ऑयल को, ठीक है। अच्छी तरह से आपको ऑयल दिख रहा होगा, उसको अच्छी तरह से बाजी ने ग्रीस कर लिया है ब्रश से। अब इमीडिएटली बाजी इसको ट्रांसफर करेगी। ये देखिए इस तरह, और इसको इस तरह टैप करना है, ठीक है। और इस स्टोव में पानी है और नीचे स्टैंड है, आपको दिख रहा होगा। और बाजी अब इसमें ये टोप रख ली है, याबिट कवर कर दिया है। अभी इसको 20 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है, और फ्लेम जो है इसका हाई पे है। हमारे 20 मिनट हो गए हैं, अब हम ओपन करके देखते हैं। आपको ये दिख रहा होगा स्टीम आ रही है, और बाजी नाइफ की हेल्प से चेक कर रही है। ये देखिए, अभी थोड़ी कसर रह गई है, थोड़ा 5 मिनट और रहने देंगे हम। चलिए फिर देखते हैं, 5 मिनट हो गया है, अभी इतना नहीं निकल रहा है। माशाल्लाह से हमारा जो खमन है वो हो गया है, बाजी को निकाल लेंगी। ये देखिए अच्छा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसको ठंडा करने रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, जब तक हमारा ढोकला जो है वो ठंडा हो रहा है। चलिए फिर देख लेते हैं हमको बघार के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। ये कड़ी पत्ता है, और ये हींग है, और ये सफ़ेद तिल है, ये राई है, ये शुगर है, ये 4-5 हरी मिर्ची है, और ये कोथमीर है, और थोड़ा पानी भी डालेंगे। चलिए फिर अभी बाजी इसको लूज कर रही है ढोकले को इस तरह नाइफ की हेल्प से। अब एक प्लेट रखेंगे और उसको टर्न करके फ्लिप कर देंगे। वाह, कितना अच्छा निकला है, आप देख सकते हैं कितना फ्लफी है खाने में, और ऐसे भी देख सकते हैं। देखते हैं कट करके, ये देखिए कितना अच्छे से कट रहा है।
ये देखिए इसका लुक देख लीजिए आप सब। अभी इसको निकाल कर हम देखते हैं, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, फ्लफी भी है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए एकदम स्पॉन्जी हुआ है बाजार की तरह। चलिए फिर अभी इसको बघार कर हम देखते हैं। ऑयल ऐड कर दिया है, बबल्स आ रहे हैं, इलायची, फिर बाद में कड़ी पत्ता, इसमें मिर्ची पड़ेगी, थोड़ा सी हींग, अभी थोड़ा सी इसको स्टर कर लेंगे। फ्लेम स्लो ही रखना है हमको, वरना जल जाएगा। सफेद तिल जो थी वो ऐड करेंगे, इसको चला लेंगे, ठीक है। अभी इसमें शुगर भी ऐड करेंगे, इससे हमें खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। बैटर में भी हमने सॉल्ट एंड शुगर ऐड किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है, और एक बॉइल लेके फिर गैस ऑफ कर देंगे जब तक हमारी शुगर मेल्ट हो जाए। ये देखिए बॉइल आ रहा है। ये बाजी अभी इसमें गार्निशिंग कर रही है। बाजी ने पानी बनाया है घुटले का, ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है दिखने में। अब गार्निशिंग कर रही है बाजी हरी धनिया से, एकदम सही बना है। ये देखिए एकदम स्पॉन्जी बना है। मुझे कमेंट कर बताना नहीं भूलना कि आप लोगों को ढोकला मेरी बहन की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल खुशनुमा ब्लॉग। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।